हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स 2 में यूनिट नंबर सेकंड इंटीग्रेशन सेकंड चल रही है और चैप्टर नंबर 10 हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीजीय समीकरणों का हल और आंकिक विधियाँ। मतलब जो जैसे इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमें अलजेब्रा के मेथड नहीं लेने हैं बल्कि न्यूमेरिकल मेथड्स लेने हैं। इसमें आज क्यों हम डिटेल में पढ़ेंगे समद विभाजन विधि यानी कि बाइसेक्शन विधि, या फिर इसे बोलजैनो मेथड भी कहते हैं, या फिर अर्ध अंतराल विधि या इंटरवल हाफ मेथड भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कितनी समीकरणों के मूल प्राप्त करने की कितनी विधियां होती हैं। तो एक तो वही है जो हम आज पढ़ेंगे, समद विभाजन विधि बाइसेक्शन मेथड। हालांकि आज तक इस पर अपने पॉलीटेक्निक में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है, कभी भी आ सकता है। एक है रेगुला फॉल्सी विधि, रेगुला फॉल्सी और फॉल्स पोजिशन मेथड, इस पर एक बार क्वेश्चन आया है, एकदम से आ गया था, तो बच्चे चूंकि इससे पहले पढ़ के नहीं जाते थे तो इसलिए उनका गलत हो गया था। न्यूटन रैफ्सन विधि, इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, केवल एक न्यूटन रैफ्सन मेथड पे। और चौथा है गॉस फिलोपन विधि, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो जो बच्चे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ही पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये मेथड्स मतलब ना पढ़ें वो बात अलग है। अदरवाइज़ जिनको 50 out of 50 मार्क्स चाहिए तो वो ज़रूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पता लगा आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है और ये भी चॉइस में नहीं निकाल पाए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं फिर हम, क्या है नाम पहले जान लीजिए क्या है इसका। एक तो इसका समद विभाजन विधि है, समझ में आ जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में कि समद विभाजन विधि क्यों कहते हैं इसे। बोलजैनो मेथड है या फिर अर्ध अंतराल विधि, अंतराल को आधा आधा करते हैं इसलिए अर्ध अंतराल विधि नाम पड़ा। बाइसेक्शन मेथड इसी की इंग्लिश है, बोलजैनो की इंग्लिश बोलजैनो है, और अर्ध अंतराल मतलब इंटरवल हाफिंग मेथड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, आप एक बार अगर इसे समझ जाएंगे तो आपको ये मेथड याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए इसमें करा क्या जाता है कि एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, और मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है। जैसे मान लीजिए सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाती हैं इससे। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसका मूल क्या होता है। तो इस इक्वेशन का मूल यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो कौन सी इसे सेटिस्फाई करेंगी। जैसे मान लीजिए सपोज करिए इसे एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इसका एक मूल कहलाएगा। तो वही रूट हमें जो है वो पता करना है। तो रूट का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू इसमें रखने पर वो 0 इक्वल टू 0 यानी कि सेटिस्फाई करेगा। मूल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है ना, यानी कि उसके ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लिया सपोज करिए कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ अगर हम खींचें, मान लीजिए सपोज़ करिए हमने ये ग्राफ इस तरह से खींचा, तो अगर इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे एक्स की किसी वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये उसको कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटेगा ज़रूर। जैसे ओरिजिन है ये एक्स की वैल्यू सपोज अल्फ़ा है, और यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब जो भी मूल होगा उसको आप ये कह सकते हैं कि एक्स की उस वैल्यू पर जो हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को काटेगा। ये आप रूल जो है वो हमेशा ध्यान रखिए। अब अगर इस पर ये ग्राफ काट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरफ से देखें, इसके थोड़ा इधर बढ़ें, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती होगी यहाँ पर। जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इस पर, ये आपका ये अगर हम ए पॉइंट ले लें या फिर इधर बी पॉइंट ले लें, तो बी पर यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यू आती होगी। तो जो भी रूट है उसके आप एक तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, तो एक तरफ अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये गारंटी है, क्योंकि ग्राफ ने उसे काटा होगा एक्स अक्ष को। अगर इधर पॉजिटिव मिल रहा है, हो सकता है कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें कि आपको जो है वो इधर पॉजिटिव मिल रहा हो इधर नेगेटिव मिल रहा हो, तो हम इस यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर एफ अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा पे मान लिया सपोज 0 है, तो इसका मतलब इधर उधर अगर हम ए बी पॉइंट लें, तो अगर एफ ए आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ बी आपका नेगेटिव होगा। मूल के इधर उधर के दो पॉइंट्स जो होते हैं
उनमें अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव है तो पहला नेगेटिव होगा। यानी कि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो गारंटेड गारंटेड ये मैं कह सकता हूँ कि एफ ए इंटू एफ बी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन ज़ीरो आएगा। तो अगर मूल के इधर उधर, अल्फ़ा के इधर उधर ए और बी दो पॉइंट्स हैं तो उन पर फंक्शन की वैल्यूज़ अगर लें तो उनका मल्टीप्लाई लेस देन ज़ीरो होगा। ये आपको इस ग्राफ से भी हेल्प समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये ग्राफ से नहीं समझाऊंगा तो फिर ये आपको थोड़ा समझ में आना मुश्किल होगा। बस इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिए और फिर उसके बाद इस मेथड को देखिए, आपको देखिए कैसे नहीं समझ में आता है। आइए देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। यह समीकरणों का मूल प्राप्त करने की वह विधि है जिसमें एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित कर वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का निर्धारण किया जाता है जिसके अंदर मूल स्थित होता है। मतलब अगर आपको इंटरवल दिया जाएगा और इसमें मान लिया, सपोज़ करिए आपने अंदाज़ा लगाया कुछ कि इसके इसके बीच में मूल स्थित है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में आप पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद ये ट्राई करेंगे, ये पता लगाएंगे कि मूल इसके इसके बीच में हो सकता है या इसके इसके बीच में हो सकता है। अगर आपका अंदाज़ा है, पता लग जाता है कि इसके इसके बीच में है, तो फिर इसके जस्ट हाफ पे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इसके जस्ट हाफ पे जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये इसके इसके जैसा चिन्ह है या फिर इसके जैसा चिन्ह है। तो मान लिया सपोज करिए इस इधर की तरफ निकलता है तो इसको जस्ट हाफ कर देंगे। इस तरह से आप जो है उसके पास जो मूल होगा उसके पास धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। बाकी आपको जब वर्किंग होगी इसकी तब उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी आप इसका स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद जब हम इसकी कार्यविधि देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं वर्किंग पे और यानी कि कार्यविधि पे। तो देखिए मैं पहले आपको कुछ समझा दूँ फिर उसके बाद स्टेप्स बताता हूँ। जैसे मान लिया सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लिया सपोज करिए इसमें आपने एक अंतराल ले लिया, ये ए और ये दूसरा बी ले लिया। और मान लिया सपोज करिए ग्राफ जो है आपका, आपको तो पता नहीं है लेकिन मान लेते हैं ग्राफ इस तरह का है। तो ग्राफ अगर इस तरह का है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए पर वैल्यू निकालोगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए ए पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर एफ ए आपका नेगेटिव हो गया, और बी पे निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ बी आपका पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एफ ए और एफ बी प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो वो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस यानी कि लेस देन ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि एफ ए अगर एफ बी का प्रोडक्ट ज़ीरो है लेस देन, तो बीच में कहीं ना कहीं मूल ज़रूर स्थित होगा। ये आपके पास ये कंसेप्ट निकला जाके। अब हम क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि सीधे मूल कितना होगा। तो उसके लिए पहला जो मूल है वो हमारा a प्लस बी बाई टू यानी कि समद्विभाजित कर देंगे, जो यहाँ पे नाम है इसका बाई सेक्शन मेथड। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में पहुँच जाएंगे हम। x इक्वल टू a प्लस बी बाई टू कर लिया, और मान लिया सपोज करिए ये आपका पहला मूल हो गया, और ये पहला मूल मान लिया सपोज करिए a प्लस बी बाई टू, आपको तो पता नहीं यहाँ पे काट रहा है लेकिन मान लिया सपोज करिए इनका मिड जो है वो x1 ये आया जा करके। आप अब अंदाजा लगा रहे हो कि ये मूल इसके आसपास है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस x1 पर फिर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एफ एक्स वन, यानी कि इस पर जो वैल्यू है वो निकालोगे क्या आएगी। तो ये यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से एफ एक्स वन जब निकाला जाएगा तो वो नेगेटिव ही आएगा। अब देखिए आपका इस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब मूल इनके इनके बीच में तो स्थित नहीं है, लेकिन इसके इसके बीच में जब देखोगे तो एफ पी पे पॉजिटिव है, एफ एक्स वन पे नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे लेस देन जीरो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब मूल इनके इनके बीच में स्थित होगा, एक्स वन और बी के बीच में स्थित होगा। अब सीधे दूसरा मूल मतलब और अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, b और x1 का आधा कर देंगे, b प्लस x1 बाई टू कर देंगे, तो हमारे पास इसके इसके बीच में एक दूसरा मूल x2 ये अंदाज़ा निकल आएगा। देखिए हम कैसे इसके नज़दीक बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब आप क्या करोगे, x2 पे वैल्यू निकाल दोगे, ये पॉजिटिव हो गई, और आपका x1 पे जो पहला मूल है उस पे नेगेटिव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इस डायग्राम के हिसाब से
लेस देन जीरो हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेस देन जीरो इसका मतलब मूल इनके बीच में है। ये आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि प्रोडक्ट अगर दो वैल्यू पे जीरो लेस देन जीरो हुआ तो मूल उनके बीच में होता है। तो एक्स वन एक्स टू के बीच में लेस देन जीरो आएंगे तो इसका मतलब मूल इनके बीच में है। तो आप तुरंत तीसरा मूल क्या कर लेंगे, अब इनके इनके बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में पहुँच जाएंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएंगे एक्स थ्री पे। अब एक्स थ्री और फिर आप देखेंगे ये एफ एक्स थ्री क्या आया, एफ एक्स थ्री जो है वो लेस देन जीरो भी अब उस तरह से आया, तो फिर आप पता कर पाएंगे कि एक्स थ्री और एक्स टू के बीच में मूल होगा या फिर एक्स थ्री और एक्स वन के बीच में मूल होगा, कंडीशन इसी तरह से पहचानी जाएगी। तो इस तरह से धीरे 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 मूल जो हैं वो आपके एक्स वन अंदाज़ा लगाया, फिर एक्स टू एक्स थ्री, मतलब एग्जैक्ट मूल के क्लोज में बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन आएगा तो तीन बार करके या चौथा चार बार करके वो बोला रहेगा कि हाँ भाई पद करो, नहीं बोलता है तो तीन बार में करके जो भी आंसर आएगा बस उतना मूल लिख देंगे। लेकिन अगर सोचिए कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम बनाया जाए तो वो तो कितने आगे स्टेप तक कर सकता है, और इस तरह से वो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट टू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको दिमाग में समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप अभी वीडियो पॉज करके पीछे से देख लें ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि कार्यविधि फिर रटनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह से मूलों का पता लगता है, क्या ये कंडीशन, ये टेस्टिंग कंडीशन उनकी क्या है, प्राइमरी टेस्ट क्या है, तो फिर आपको वर्किंग जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए वर्किंग का पहला स्टेप है दिए गए समीकरण को एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूप में लिखें। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू थ्री दिया हो तो आप उसको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे करके लिख लें, एफ एक्स एक तरफ इज इक्वल टू जीरो दूसरी तरफ, इस तरह से आपको पहले समीकरण को लिख लेना है। आइए अब स्टेप नंबर टू पे चलते हैं। आपको दो वास्तविक संख्या ए और बी इस प्रकार प्राप्त करनी है कि एफ ए एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो। ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन होती है कि अगर एफ ए एफ बी लेस देन जीरो हैं तो ए और बी के बीच में समीकरण का मूल होगा, ये गारंटी है। मतलब अगर इंटरवल है और यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है इसके ऊपर नेगेटिव है तो उस केस में बीच में कहीं ना कहीं मूल होगा। कहाँ होगा वो तो खैर नहीं पता कि इस पोजीशन में कहाँ पे होगा, लेकिन इनके इनके बीच में गारंटी है ये पक्का एक मूल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को गैप को छोटा करते चले जाएंगे, छोटा करते चले जाएंगे और चेक करते चले जाएंगे इसी कंडीशन को बार बार लगा करके कि उनके बीच में मूल है या नहीं। देखिए कैसे करते हैं। स्टेप नंबर थ्री सबसे इम्पॉर्टेंट अब स्टेप है, अंतराल ए और बी को, ये जो अंतराल ए और बी मिल गया हमें जिसके बीच में मूल स्थित है उसको समद्विभाजित कर देना है। मतलब ए प्लस बी बाई टू बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में पहुंचेंगे और इसको हम मान लेंगे कि ये मान लिया पहला रूट, पहला मूल ये है, तो समद्विभाजित करें तथा मध्य बिंदु एक्स वन प्राप्त करें जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा। तो ए और बी पे एफ ए लेस देन जीरो था, एफ बी ग्रेटर देन जीरो था, मतलब इनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, तो इसका मिड पॉइंट हमने ये x1 मान लिया कि ये x1 जो है वो मूल है। अब देखिए x1 पे भी हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, एफ एक्स वन का मान ज्ञात कर लेते हैं, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पर a पर पता है फंक्शन की वैल्यू, b पर पता है, x1 पे क्या होगी वो भी चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं एफ एक्स वन का। अब एफ एक्स वन लेस देन जीरो आ सकता है, ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, क्या सिचुएशन होगी अगर क्या कंडीशन आती है। देखिए ए और बी पे, इस पे लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो है और एक्स वन पे मान लिया सपोज लेस देन जीरो आया, देखिए ये भी लेस देन जीरो ये भी लेस देन जीरो, अगर आप एफ ए इन टू एफ बी करोगे वही कंडीशन जो ऊपर बताई है हमने ये वाली कंडीशन, अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव हैं दोनों सेम साइन के हैं तो इसका मतलब इनके बीच में मूल स्थित नहीं हो सकता। मतलब जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे पहले कि ए और बी के बीच में मूल स्थित होगा, अब वो अंदाज़ा हमारा ये हो गया कि ए से एक्स वन के बीच में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के सेम साइन है। और इसमें आप देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो है ये लेस देन जीरो है तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में मूल स्थित है। तो हमने अपना इंटरवल जो था वो ए टू बी यहाँ से यहाँ तक मूल होने का संभावना थी, अब हमने अपने उस इंटरवल को हाफ कर लिया है और इस आधे में अब मूल होने की संभावना है, समझ रहे हैं। अब आगे यही और होगा, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इस हिस्से में है या इस हिस्से में है, फिर जिस हिस्से में होगा उसका भी आधा कर लेंगे, उसमें देखेंगे फिर वो आधे आधे हिस्सों में किस में है मूल, इस तरह से हम मूल के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे, ये तरीका है। देखिए अगर एफ एक्स वन
यानी कि यहाँ पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली, ग्रेटर देन जीरो आई, तो क्या सिचुएशन बनेगी? इधर लेस देन जीरो था ही, इधर ग्रेटर देन जीरो था, इस पर फंक्शन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो आ गई। तो देखिए, अब ग्रेटर ग्रेटर ये दोनों ग्रेटर हो गए ना, तो मूल यहाँ नहीं हो सकता, मूल अब यहाँ पर होगा जाके बीच में कहीं। तो देखिए, मैं इसको पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर दूँ, पूरा कर दूँ कि x1 और x इस पर लेस देन जीरो आया, तो इसका मतलब तो मूल हमारा x1 व b के बीच होगा, और द्वितीय वैल्यू मूल की कितनी होगी, तो बस इसको जस्ट हाफ कर देंगे, मतलब मिड पॉइंट ले लेंगे। मूल का द्वितीय मान लगभग कितना होगा, द्वितीय लगभग मान, तो x2 इज इक्वल टू, यानी कि यहीं पे कहीं बीच में ले लिया हमने, इसके ठीक बीच में x1 प्लस b बाई टू, ये होगा, ठीक है ना। और फिर दोबारा से एफ एक्स टू इस पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करके, और फिर चिन्ह मान ज्ञात, चिन्ह का मान, इसका चिन्ह ज्ञात करें, तथा यही प्रक्रिया जो है बार बार चलाएंगे। और इधर क्या होगा, अगर मान लिया सपोज करिए एफ एक्स वन लेग ग्रेटर देन जीरो हो गया, इस पर जो है वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो अब ग्रेटर ग्रेटर देन ये सेम साइन हो गया, तो यानी कि भी यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ होगा मूल, तो मूल हमारा ए और एक्स वन के बीच में होगा, ए और एक्स वन के बीच में यहाँ कहीं होगा, कहाँ होगा, तो एग्जैक्टली मिड, मूल का द्वितीय लगभग मान कितना, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए बाई टू, यहाँ पर। अब देखिए, हमने अपने इतना बेकार कर दिया इसको, है ना, ये चीज़ जो है वो अब हटा दी, इतने में मूल आ गया, तो थोड़ा सा मूल के क्लोज में पहुंच रहे हैं। फिर से वही बात, अब x2 के लिए ही काम करेंगे, जो x2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x2 आया है, यहाँ पे x2 जो नया निकल के आया है, उसके फिर ऊपर एफ एक्स टू प्राप्त करेंगे और उसका चिन्ह ज्ञात करेंगे। जैसे x1 का चिन्ह ज्ञात करके जो कंडीशन हुई, वही अब x2 का एफ एक्स टू की चिन्ह ज्ञात करके उसके साथ भी वही कंडीशंस चलाई जाएंगी। अब स्टेप नंबर 5 में है, इसी तरह प्रक्रिया ज्ञात करें, प्रक्रिया करें और अपेक्षित शुद्धता का मूल प्राप्त होने तक दोहराते रहें। मतलब आपको तीन प्लेस तक निकालना है, चार प्लेस तक निकालना है, जितना क्लोज में निकालना है। क्वेश्चन में वैसे कह देते हैं तृतीय लगभग मान ज्ञात करो या चतुर्थ लगभग मान ज्ञात करो, तो उसी तरह से x3 या x4 आपको निकालना पड़ता है। और स्टार्टिंग में रही बात कि दो संख्याएँ ए और बी कैसे चूज़ करनी है, तो आप अपने हिसाब से 1, 2, 2, 3, 3, 4 ऐसे चूज़ कर लें, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि इसके इसके 2 और 3 के बीच का मूल ज्ञात करें, तो ए और बी आपको दे दिया 2 और 3, और तब आप उसी यही प्रोसीजर फिर अलाउ कर अप्लाई कर देंगे। तो ये मेथड वैसे तो अगर आप बिना समझे अगर इस प्रोसीजर को याद करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा और कन्फ्यूज़ होते रहेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव में क्या होगा उसमें क्या होगा। लेकिन अगर आप थीम समझ जाते हैं कि वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं, कैसे वो काम करना चाह रहे हैं, तो फिर ये अपने आप ही सब कुछ समझ में आता चला जाएगा आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो ध्यान से एक बार और देखिए वीडियो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या मेरे बताने में कहीं कोई गलती लग रही हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। बहरहाल, अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूल का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन विधि से ज्ञात करें। साफ साफ कह रखा है कि आपको बाईसेक्शन मेथड या फिर समद्विभाजन मेथड लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, आपका एफ एक्स इज इक्वल टू सही रूप में दिया है एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, ये दिया है। अब इसमें इक्वेशन वाइज लिखेंगे तो इक्वल टू जीरो भी लगा सकते हैं। अब इसमें वन और टू पे चेक करके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट, मतलब उनके चिन्ह अपोजिट हैं। तो एट ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू टू, इस पे चेक करते हैं। तो एफ ए कितना आ रहा है, तो एफ ए यहाँ पे यानी कि वन, तो ये हो जाएगा आपका कितना, वन का क्यूब माइनस वन, और माइनस वन यानी कि इक्वल टू माइनस वन आ गया, ये कट जाएंगे। और एफ टू निकालेंगे अगर, ठीक है ना, एफ बी यानी कि एफ टू, तो इसका मतलब ये हुआ जा करके टू का क्यूब माइनस टू माइनस वन, एट माइनस थ्री यानी कि फाइव। तो देखिए, ये आपका नेगेटिव आया और ये आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में, वन और टू के बीच में आपका रूट स्थित है। ये आपका देखिए, वन पे निकाला हमने पॉजिटिव आ रहा है, नहीं नेगेटिव आ रहा है, और टू पे निकाला तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा होगा। अब बीच में ये कहाँ काट रहा होगा ये नहीं जानते हम, वो ढाल पे निर्भर करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने अंतराल को, ये जो वन और टू का अंतराल है, इसको छोटा करेंगे और पहला मूल लगभग ज्ञात कर रहे हैं, जो कि कितना होगा, बाईसेक्शन मेथड है तो इसलिए जस्ट हाफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ये दिखा देते हैं कि वी सी एफ वन इंटू एफ टू इज इक्वल टू या लेस देन ज़ीरो, ये प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है, अतः मूल वन व टू के बीच होगा,
ये कंडीशन तो बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अतः मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान कितना हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू, तो इनका इनका मिड पॉइंट यानी कि 1 + 2/2 यानी कि 3/2। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि वन पे जो है वो, और टू पे, वन पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पे जो है वो आपका f1 जो है वो नेगेटिव है और f2 जो है वो आपका पॉजिटिव है। अब 3/2 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये मूल का प्रथम लगभग मान हो गया। अब हेडिंग डाल देते हैं, मूल का द्वितीय लगभग मान, यानी कि हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन चला रहे हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए f 3/2 जो बीच में आया है, अब इस पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि किधर रूट पड़ना चाहिए। तो नाउ f(x1) यानी कि f 3/2, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 - 1। ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो, मैं क्योंकि बुक में एग्जांपल है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे ये हो जाएगा 27/8 माइनस 3/2 - 1 यानी कि 7/8 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी जो है f 3/2 आपका जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब ग्रेटर ग्रेटर इनके बीच में रूट नहीं हो सकता। आपके पास जो बाउंड्री मिली है अब रूट की, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब रूट आपका 1 और 3/2 के बीच में होगा, ठीक है ना। अब अतः मूल हमारा 1 व 3/2 के बीच होगा। तो अब उसकी वैल्यू निकाल लो, वो बाईसेक्शन मेथड है तो इसलिए जस्ट हाफ हो जाएगा। अतः मूल का द्वितीय लगभग मान, द्वितीय लगभग मान जो है वो हमारा x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 और 3/2 का मिड पॉइंट यानी कि 5/4 आ गया, ठीक है। ये अब 5/4 यहाँ पर बीच में कहीं आएगा 5/4। अब हम क्या करेंगे, 5/4 जब रूट मिल गया है, अब देखेंगे कि ये दो हिस्से जो हो गए, अब हमारा अब रूट थर्ड अप्रोक्सीमेशन चलाना है, तो वो इनके इनके बीच में होगा या इनके इनके बीच में होगा, ये तब पता लगेगा जब हमारे पास इसकी फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम 1 और 3/2 इतना हिस्सा जो है इसको ज़रा मैग्नीफाई करके बना देते हैं। देखिए इसी को मैग्नीफाई कर रहा हूँ मैं, वन ये है आपका जिस पर कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, और ये आपका 3/2 आ गया जिस पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मूल इनके बीच में होगा। ये वाला सेक्शन जो है मैंने वो मैग्नीफाई कर दिया। अब मूल जो है इनके बीच में कहाँ पे था, तो वो अप्रोक्सीमेशन हमने करके निकाला है, ये 5/4, ये 5/4 है, इस पे मूल है, ये आपकी वैल्यू हो गई x2 की। अब हम देखते हैं कि इस हिस्से में है मूल एग्जैक्टली या इस हिस्से में है, ये कैसे पता लगेगा, इस पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम हेडिंग डाल देते हैं, मूल का तृतीय लगभग मान, तृतीय मान ही निकालना था, तृतीय लगभग मान, या फिर डायरेक्ट इसे कह सकते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये अब कैसे निकलेगा, तो नाउ इसमें आप f 5/4 निकालेंगे, इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तब डिसाइड होगा कि इससे अपोजिट साइन इसका आता है या इससे अपोजिट साइन इसका आता है। तो f 5/4 इज इक्वल टू, तो फंक्शन में रख दो तो क्यूब -5/4 - 1, ये आपका -19/64 आ रहा है, यानी कि ये लेस देन 0 आ रहा है। तो यानी कि f 5/4 जो है आपका लेस देन 0 है। देखिए ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, इसका मतलब मूल यहाँ नहीं हो सकता, ये ग्रेटर लेस देन, तो इसका मतलब मूल आपका यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अतः मूल हमारा जो है वो 5/4 व 3/2 के बीच होगा। कंडीशन वही है क्योंकि इनके अपोजिट साइन है, या फिर इनका प्रोडक्ट जो है वो चाहे लिख सकते हैं, सिंस f 5/4 और इनटू f 3/2 जब प्रोडक्ट करेंगे इनका लेस और ग्रेटर देन 0, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। तो अतः तृतीय मान जो है क्या होगा, बाईसेक्शन मेथड है तो जस्ट बीच में होगा। अतः तृतीय लगभग मान इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू हो जाएगा इसी इसी का मिड, यानी कि 5/4 + 3/2 / 2 यानी कि ये 1.25 + 1.5/2 यानी कि ये आपका 1.375 ये आ रहा है आंसर,
देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इस वजह से ये प्रॉब्लम तो है क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, वो अलजेब्रा से एग्जैक्ट आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर कंप्यूटर को ये काम देंगे, वो इसके अप्रोक्सीमेशन 50-100 अप्रोक्सीमेशन अगर निकाल देगा तो वो क्लोज में पहुँचने लगेगा जो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसीलिए छोटी क्लास में जो है वो अलजेब्रिक मेथड पढ़ाए जाते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू निकले, और फिर अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो है वो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और सारे क्वेश्चन इसके जो हैं वो एक जैसे हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है। आप जो हैं वो बस ये देखते रहें कि कितना अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए कहा है, तृतीय लगभग मूल निकालने के लिए कहा है या चतुर्थ निकालने के लिए कहा है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है आपको आसानी के लिए दे भी देते हैं कि इसके इसके बीच का रूट निकालो, तो आपको बाउंड्रीज़ भी पकड़ा देते हैं, तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको जिसमें कि सॉल्व नहीं करूँगा, केवल क्वेश्चन, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई इस तरह से जो है वो और आसान करके दे सकते हैं। वो देखिए जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, समद्विभाजन से समविभाजन विधि का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x³ - x - 4 = 0 का वह मूल ज्ञात करें जो 1 व 2 के बीच स्थित है। तो यानी कि स्टार्टिंग के लिए आपको a=1 और b=2 जो है वो दे दिया है इस क्वेश्चन में, और 3 बार प्रयोग करना है यानी कि तृतीय लगभग मान इसको निकालना है आपको। ना भी कहे तब भी आप जो है लगभग 3 बार निकालेंगे ही निकालेंगे। मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 1.8125 आप कोशिश कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बोलजानो विधि, इसी का नाम बोलजानो विधि भी होता है। तो अगर आपको नहीं नाम पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को फिर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हर नाम को ध्यान रखें। बोलजानो विधि का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x⁴ - x³ - 6x - 4 = 0 के मूल का लगभग मान 2 व 3 के बीच ज्ञात करो। तो a=2 दे दिया, b=3 दे दिया है, और 3 बार प्रयोग करना है यानी कि तृतीय लगभग मान निकालना है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, और इसका भी आंसर जो है मैं आपको दे देता हूँ, 2.63 ये आंसर आ रहा है। आप इसको कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बोलजानो मेथड या फिर सम बाईसेक्शन मेथड ये कंप्लीट होता है, समद्विभाजन मेथड। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में, अगर आप इसको ढंग से समझ गए हैं। वर्किंग को समझने पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्या हो रहा है अगर वो समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, अगर उसको रट के काम चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। तो इस वजह से अब आप इसको तैयारी करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ, जिसे कि हम रेगुलर फॉल्सी मेथड कहते हैं, या फॉल्स पोजिशन मेथड कहते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।